दोस्तों आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो हमारे घर के पास आई हुई है प्याज वाली गाड़ी और हम खरीद रहे हैं आज प्याज। तो ये एक गट्टा प्याज का मैंने ला के यहाँ पे डाल दिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमने खुद बनाया है ये वाला जो फ्रेम है जाली का, और एक गट्टा प्याज का मैं और लेके आ रहा हूँ। 25 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, तो मैं नीचे जाके लेके आ रहा हूँ, सिमरत मेरी वीडियो बनाएगा। तो चलिए, तो भाई लोग दो गट्टे प्याज के हमने ले लिए। तो अभी हमें बार बार मार्केट जाके प्याज नहीं खरीदना पड़ेगा। सिमरत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। 1500 रुपए का 60 किलो प्याज हमने लिया है गाड़ी वाले से। हमें डर है कि कहीं आने वाले समय में प्याज का भाव अगर बढ़ गया तो हमें मुसीबत हो जाएगी। प्याज खाना बहुत जरूरी है, इसको इधर रख देते हैं। चाकू दो। तो अब मैं इसको नीचे वाले में दोनों में डाल दूंगा। गला हुआ प्याज निकला है एक, बिल्कुल इसको फेंकना पड़ेगा। और जब भी आप लोग प्याज खरीदते हैं तो ऐसा एक आपके पास कोई कुछ होना चाहिए जिसमें इस प्याज को हवा लगती रहे। अगर हवा नहीं लगेगी तो बारिश के मौसम में प्याज खराब होने के चांसेस हैं। अब राजवीर ने फोन पकड़ लिया है, वो ब्रो, और हम दोनों मैं और सिमरत सेट कर रहे हैं। एंगल चेंज कर पा किधरों दिया। तो दोस्तों हमने प्याज पूरा जाल के अंदर डाल दिया है। अभी इनको तीनों को एक जैसा सेट कर देंगे। और ये जो प्याज है इसको रखने का तरीका यही है कि इसको हिलाते डुलाते रहो, चेक करते रहो। जैसे ये थोड़ा डिफॉल्टर प्याज है तो इसको निकालना पड़ेगा। लगभग 60 किलो में 2-3 किलो प्याज तो मुझे लगता है ख़राब निकला है। ये भी आप देखें, ये भी ख़राब आया है। वैसे बाहर से देखने से तो बहुत चमक रहे थे प्याज, बीच बीच में थोड़े प्याज हल्के फुल्के ख़राब भी निकल रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि 60 किलो में 3-4 किलो प्याज तो ख़राब निकलेगा ही निकलेगा। अभी इसकी अच्छी तरह से छंटाई हो जाएगी। जैसे ऊपर वाले में ज़्यादा है इसमें से कुछ प्याज निकाल के नीचे वाले में डाल देंगे। तो भाई लोगों आज का व्लॉग इतना ही था। हमने प्याज लिया, 25 रुपए किलो लिया है। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास कुछ प्याज को रखने का कुछ आइडिया हो तो मेरे साथ शेयर करें। हमारे पास तो यही आइडिया है, इसको हम क्या है कि बदलते रहते हैं, इधर उधर हिलाते रहते हैं ऐसे। और प्याज कैसे सेफ रखा जा सकता है 2-3-4 महीने के लिए, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।